गाइस आपने मेरी वीडियो देख ली, क्या क्या मेरे लिफ्ट सक्सेसफुल थे, कौन से बेकार लिफ्ट थे, ठीक है, तो वो वीडियो देख ली। अब मैं ये नेक्स्ट वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको दो तीन चीज़ें समझा सकूँ, क्या क्या मैंने गलती करी, सेकंड कंपटीशन में मेरे मेडल क्यों आए, तो उसके ऊपर बात करता हूँ। नमस्कार यारो, मेरा नाम है प्रताप एंड लेट्स टॉक अबाउट माई सेकेंड कॉम्पिटिशन। तो गाइस एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले बेंच प्रेस में मैंने अपना पीक 115 किलो मार लिया। मेरा गोल था 120 मारने का, तो वो हो नहीं पाया। 117.5 भी नहीं मार पाया सेकंड बार में, तीसरे बार में 117.5 नहीं मार पाया। मेरा गोल था 120 केजी का। मेरी क्या बोलूँ, मेरा जो प्रोग्राम चल रहा था इतना तगड़ा चल रहा था, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 125 उठा लूँगा, पर हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करूँगा ये करने का। और जो मेरी डेडलिफ्ट थी अबाउट मेरी 175 केजी, पहले चांस पर उठाया, दूसरे चांस में मैंने 177.5 केजी उठाया और तीसरे चांस में 180 का ट्राई किया। गाइस जान पूरी ख़त्म हो चुकी थी, तभी मैंने ज़्यादा दे नहीं पाया कि यार 180 केजी मैं उठा पाऊँगा या नहीं, तो दिमाग में था कि 180 केजी नहीं उठ पाएगा, तभी ज़्यादा ट्राई नहीं किया। तो गाइस मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने दिमाग से खेला कि मुझे पता था कि मैं अपनी 75 केजी कैटेगरी में पहले ही जीत चुका हूँ, ठीक है, 177 उठा लिए थे, मेरे दिमाग में था कि मैं जीत चुका, ज़्यादा जान डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो गाइस अब मैं बताता हूँ, मेरी जो वेट कैटेगरी थी 75 केजी, उसके अंदर अबाउट थे 6 से 7 कंटेस्टेंट थे, ठीक है, तो उसके अंदर मैं सेकंड पोजीशन लाया, ठीक है। जो पहला बंदा था उसने उठाया था 130 केजी का, और दूसरा बंदा जो मैं जो सेकंड पोजीशन आई थी उसके अंदर मैं आया हूँ 115 केजी उठाया। तो गाइस ये वो मेडल है, ठीक है। तो गाइस ये कोई ऐसा इंडिया का मेडल नहीं है जो एकदम सिक्के जाता हो, इट्स क्वाइट हैवी, तो यार अर्न किया है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आपके लिए हो या ना हो, पर मैंने अर्न किया। और मैं इसलिए बता सकता हूँ कि इस मेडल को अचीव करने में बहुत जान गई है। एंड गाइस आई कैन से कि ये तो अभी शुरुआत है, और भी मेडल मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा जब तक रशिया में हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरी 75 केजी बेंच प्रेस के रिजल्ट थे। अब डेडलिफ्ट मेरा क्या सीन था कि गाइस मैं जो 75 केजी कैटेगरी में खेल रहा था उसके अंदर गाइस टीनेजर भी थे, ठीक है, और उसके अंदर मास्टर क्लास भी थी, तो उनके कंपैरिजन निकाला, ठीक है, और तब मेरी फर्स्ट प्लेस आई, ठीक है। तो गाइज ये जो रेड है ये सिग्निफाई करता है फर्स्ट प्लेस, सो ये मेरा डेडलिफ्ट में फर्स्ट प्लेस आई। तो 75 केजी में मैंने डेडलिफ्ट में फर्स्ट आया, बेंच प्रेस में सेकंड आया। अब ओवरऑल देखा जाता है कि बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट को मिला के मैं फर्स्ट आया या नहीं, तो उसमें भी मेरी फर्स्ट आई, क्योंकि 75 केजी कैटेगरी में अब कॉम्पिटिशन कम होता गया, ठीक है, तो तभी मेरा ओवरऑल 75 केजी कैटेगरी में फिर मैं फर्स्ट आ गया। तो गाइस अब मैंने क्या क्या गलती करी जिसके कारण मैं अपने सक्सेसफुल लिफ्ट नहीं कर पाया। सबसे पहली गलती मैंने क्या करी गाइस कि मुझे एक हफ्ते में 4 केजी वेट लूज़ करना था, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि 76 कैटेगरी में खेलूँगा, क्योंकि 76 कैटेगरी ऐसे असली में कुछ है ही नहीं, 75 केजी कैटेगरी में था, तो मुझे पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि 75 केजी कैटेगरी में खेलूँगा, मेरा था कि 76 केजी कैटेगरी में खेलूँगा। तो एक हफ्ते में मैंने 4 किलो कम करे, ठीक है, उसके कारण मेरा यार थोड़ा क्या बोलूँ स्ट्रेंथ भी चली गई, इसलिए मैं अपने इस लिफ्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो गाइस अगर आपको जानना है कि एक हफ्ते में 4 केजी वेट कैसे लूज़ करना है, तो गाइस उसके लिए मुझे कमेंट डाउन कर देना, कि कमेंट्स बताना कि आप चाहते हो ऐसी वीडियो कि जिसके अंदर एक हफ्ते में 4 केजी वेट कैसे लूज़ करना है, तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगा, ठीक है, तो वो बात हो गई। अब दूसरी चीज़ बता दो कि गाइस और क्या गलती करें, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता था कि मुझे कंपटीशन में कब जाना है। फर्स्ट कंपटीशन में मेरी गलती हुई थी कि मैं लेट गया था, इस कंपटीशन में मैं इतनी जल्दी चला गया कि 2 से 3 घंटे पहले मैं चला गया, सुबह सुबह मैं पहुँच गया, मैंने सोचा कि जल्दी से कॉम्पिटिशन हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, 2 से 3 घंटे मैं बस बैठा रहा, भूख भी लगने लग गई, खाना मैं जितना ले गया था सब ख़त्म कर दिया, और एंड टाइम में मैं बस भूखा ही रह गया था। जब तक कंपटीशन शुरू हुआ थोड़ी बहुत एनर्जी लो होने लग गई थी, पर मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि गाइस एग्जैक्ट टाइम में पहुँचना इतना याद रखना। तो गाइस ये तो मेरी बात हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि गाइस मेरे साथ जो मेरा दोस्त था शुभम, 56 केजी कैटेगरी में खेल रहा था, और इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया कि बेंच हर तीनों लिफ्ट उसकी बेंच प्रेस में सही थी, और 85 केजी की शायद उसने बेंच प्रेस मारी, ठीक है, डेडलिफ्ट में उसने अबाउट 150 के आसपास उसने डेडलिफ्ट मारी, और तीनों टाइम उसने लिफ्ट गुड थी। तो वो जिस कैटेगरी में अभी खेल रहा है 56 केजी कैटेगरी में, उसको अभी तो कोई
चुनौती नहीं दे सकता, वो इतना स्ट्रांग है अपनी 56 kg कैटेगरी में कि कोई भी बंदा आए उसको हरा नहीं सकता। 56 kg कैटेगरी में डेडलिफ्ट में वो सेकंड पोजीशन लाया था और बेंच प्रेस में फर्स्ट पोजीशन लाया, तो वो ओवरऑल भी फर्स्ट आया। तो ये सब तो गाइस हो गया कि कंपटीशन के बाद क्या करा। अब मैं बताता हूँ आगे के मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। गाइस फ्यूचर प्लान ये है कि अब मैं एक प्लेटू हिट कर चुका हूँ कि इसके आगे मेरी स्ट्रेंथ इतनी खास इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो अब मुझे चाहिए एक पर्सनल कोच। तो ना मैं कोई इंसान को हायर कर रहा हूँ, मैं एक पर्सनल AI को हायर करूँगा और जो प्रोग्राम मैं फॉलो करूँगा डैट वुड बी AI बेस्ड जगरनॉट ट्रेनिंग सिस्टम। तो ये अबाउट 2000 rupees पर मंथ लेते हैं, ठीक है, अपनी AI कोचिंग को देने के लिए। तो AI कोचिंग में क्या होगा कि जो जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं बस पर्सनलाइज मैं बोल दूंगा कि यार आज मेरी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम बना देगा, अगले हफ्ते उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा गाइस, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि AI बेस्ड ट्रेनिंग कैसी है, क्या आपको लेनी चाहिए नहीं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपडेट्स देता रहूँगा। तो गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस था सेकंड कंपटीशन को लेके। तो गाइस दीज वर माय मेडल्स, 3 मेडल्स मैं जीत गया एंड गाइस और मेडल्स भी आएंगे, ठीक है। और अच्छा लगता है कि यार बाहर देश में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना और कुछ थोड़े बहुत मेडल लाना। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और भी इतनी पर्सनलाइज्ड आपके लिए वीडियो आएगी। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, मेक बॉडी बिल्डिंग सिंपल, पीस ओवर एंड आउट।